इंदौर जिले के देपालपुर ग्रामीण में प्रमुख शहर व कस्बा ही नहीं गांव के सड़कों की स्थिति भी बदहाल है। जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो जाने से पता ही नहीं चलता कि यहां पर कभी सड़क थी। बारिश का पानी भर जाने से खतरा और भी बढ़ जाता है। इससे होकर गुजरने वाले दोपहिया व चार पहिया वाहन चालक अक्सर दुर्घटना का शिकार होते हैं। रात में तो इन सड़कों से निकलना दुर्भर हो जाता है। देख रेख के अभाव में ज़्यादा मुख्य व संपर्क मार्गों का हाल बेहाल हो चुका है। शहर ही नहीं गाँव और कस्बों के संपर्क मार्ग या मुख्य मार्गों पर नजर डाली जाए तो इसके पीछे की मुख्य वजह समय रहते खस्ता हाल होती सड़क को दुरुस्त न करना है, जिस कारण पूरी सड़क की दशा बिगड़ जाती है। गांव रुदाख्या देवरा खेड़ी से जुड़ी ग्राम पंचायतों के गांव से लेकर कस्बों व शहरों के सड़कों की हालत पतली है। इस समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। बारिश के दिनों में सड़क से निकलने में लोग घबराते हैं। जगह जगह गड्ढे हैं या फिर सड़क के किनारे धस चुके हैं। स्थिति बेहद खराब। रुद्राख्या से गांव देवराखेड़ी तक जाने वाले मार्ग की स्थिति इस कदर ख़राब है कि इस पर चलना मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश में पानी भर जाने से वाहन चालक के लिए और भी दिक्कतें बढ़ जाती है। यह मार्ग से रुद्राख्या देवराखेड़ी करीब आधा सैकड़ा गाँव के लिए संपर्क मार्ग भी जाते हैं। मरम्मत के अभाव में हालत ख़राब हो रही है। उज्ज्वला गाँव से जुड़ा संपर्क मार्ग भी बदहाल हो चुका है। जाने वाले मार्ग पर गांव देवराखेड़ी मार्ग की हालत बेहद खस्ता है। कई जगह पर तो गिट्टी व कीचड़ तक गायब हो गया है। गड्ढों में तब्दील सड़क पर बारिश में वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस मार्ग पर किसानों की जमीन भी संचालित हो रही है, जहां तक किसान व दिहाड़ी मजदूर का पहुँचना खतरों से खाली नहीं है। देपालपुर विधायक विशाल पटेल से संपर्क करना चाहा लेकिन उनका फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था। इस गाँव के रफीक पटेल, शाहरुख पटेल, अमजद पटेल, नौशाद पटेल, लियाकत पटेल का कहना है कि खराब हो चुके रास्तों को दुरुस्त नहीं करा रहे हैं। विधायक से लेकर सांसद को भी सूचित किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सड़क के गड्ढों की वजह से कुछ इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया गया है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 3.5 किलोमीटर रास्ता है इसे कच्चो, यो है रोड में चाहिए हमने और आई 15 किलोमीटर हुई ना जाना पड़े हमने कच्चा में। इन्हें लिए जो रोड है नहीं हमने बहुत जरूरी है। हमने जंगल वाले भी देपालपुर जावा में बहुत परेशानी आए, बार बार हम बहुत दिक्कत में है। तहसील देपालपुर ना माए है और बहुत बार दे दियो हमें इन्हें रोड ना लिए, बाकी आज तक कोई करी हुई नहीं। विशाल पटेल ना कोटा में आई हो अरे तुम्हारी वार्ड हम पहला कर रहे हैं, बाकी वो सही है भैया। जन सहयोग से हमें फसल डलाया 2-3 लाख रुपया ना बाकी है, आज तक कोई नहीं हमारी सुनवाई नहीं करी। रोड ने बहुत तकलीफ है हमारे, हमेशा मतलब आदमी ने क्या बहुत दिक्कत आया हमारे यार। इन्हें लिए इन्हें आवेदन दे रहे हम के भैया कभी उठ जाइयो। 3 किलोमीटर है, 3-3.5 किलोमीटर देवराखेड़ी तक जुड़ जाइयो। रुद्राख्या देवराखेड़ी जुड़ जाए तो हमारे लिए बहुत आराम हो जाए। हमें 15-20 किलोमीटर वहीं से जाना पड़े, हमें बहुत परेशानी है यार।